हर हर महादेव। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए कैसे आप ओमकारेश्वर पहुँच सकते हैं, ओमकारेश्वर में रहने की व्यवस्था क्या है, कहाँ पे आप होटल ले सकते हैं, ओमकारेश्वर से आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे दर्शन कर सकते हैं, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का प्रोसेस क्या है, VIP दर्शन का क्या प्रोसेस है और नर्मदा परिक्रमा जो है उसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। तो बने रहिए इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओमकारेश्वर जाने के लिए या तो आप इंदौर से बस ले सकते हो या फिर आप उज्जैन से भी बस ले सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 240 रुपीज़ आपका प्राइस पड़ता है अगर आप उज्जैन से जाते हो। ये मैं आपको एसी बस के प्राइस बता रही हूँ। आप एसी बस एक दिन पहले बुक कर सकते हो मेक माई ट्रिप या गो आई बीपो से। अगर आप उज्जैन से जा रहे हो तो एक दिन पहले आप टिकट बुक कर सकते हो ऑनलाइन, या फिर वहाँ पे आपको बहुत सारे काउंटर्स भी मिल जाएंगे जहाँ से आप बुकिंग कर सकते हो। और अगर आप इंदौर से जाओगे तो वहां से भी आपको रेगुलर बसेस आसानी से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं रहने का। वहाँ पे होटल आपको अप्रॉक्सीमेटली 1200 रुपये के बजट में मिलता है। अगर आप थोड़ा सा रिजनेबल प्राइस में चाहते हो तो आप इस आश्रम में रह सकते हो। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो ये 4 बेड वाला रूम हमने लिया था। ये रूम हमें 700 रुपीज़ का पड़ा था। यहाँ पे पहले से बुकिंग नहीं होती है, आपको जाके इंक्वायरी वहाँ पे पूछ के फिर बुकिंग करनी होती है। यहाँ पे खाने पीने की भी सुविधा है। लंच मात्र 50 रुपीज़ में आपको पर पर्सन का मिल जाता है अनलिमिटेड, और डिनर भी 50 रुपीज़ पर पर्सन में मिलता है। ब्रेकफास्ट यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं खाना है तो बाहर भी आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो है वो अवेलेबल मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दर्शन की। दर्शन के लिए आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ पे जब आप पहुँचोगे, पैदल ही डिस्टेंस आपका होता है तो आप आसानी से पहुँच सकते हो वहाँ पे। सामने ही आपको टिकट काउंटर दिख जाएगा जहाँ पे आपको दर्शन के लिए VIP टिकट मिल जाएगा। मैंने नहीं किया था VIP दर्शन, नॉर्मल दर्शन किया था। नॉर्मल दर्शन के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का टाइम लग जाता है। मंदिर के सामने आपको काफ़ी सारे प्रसाद फूल के दुकान मिल जाएंगे, और अगर आपको VR आरती दर्शन करनी है तो वहाँ पे टिकट है 150 रुपये में, आप वो भी दर्शन कर सकते हो। ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद वहीं से पैदल दूरी पे आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी दर्शन कर सकते हो। ध्यान रहे कि आपको ये ज्योतिर्लिंग दर्शन करने ही है, वरना आपका जो दर्शन है ओंकारेश्वर का वो अधूरा रह जाएगा। अगर आपको बोट से जाना है ममलेश्वर तो वो भी आप अवेल कर सकते हो। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से आपको बोट मिल जाएगा जो आपको नर्मदा परिक्रमा करा के यहाँ पे आपको ममलेश्वर तक पहुँचा देता है। ये बोट का प्राइस डिपेंड करता है आपके बार्गेनिंग स्किल के ऊपर। मैंने पर पर्सन 100 रुपये इस बोट का दिया था। शाम को आप वहाँ पे नर्मदा घाट पे आरती होती है, वो भी दर्शन कर सकते हो। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर का दर्शन एक दिन में आप बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हो पूरा। आई होप आपको सारा डिटेल्स मिल गया होगा। अगर आपको और भी कोई डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हो, या फिर यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।